जय हिंद दोस्तों, आज मैं बहुत ही खास जानकारी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो रेलवे से यात्रा करते हैं, लगभग सभी लोग करते ही करते हैं, बहुत लोग कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो कभी ना कभी जीवन में उन्हें ज़रूरत पड़ता ही है रेल से यात्रा करने की। और आप जानते हैं कि रेलवे में हादसा होता रहता है, एक्सीडेंट होता रहता है, और रेलवे की तरफ से अगर कोई गलती हो जाती है, हादसा हो जाता है, उसमें किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर बंदा घायल हो जाता है बुरे तरीके से रेलवे एक्सीडेंट में, तो किस कंडीशन में उसे मुआवजा मिलता है और किस कंडीशन में मुआवजा नहीं मिलता है। बहुत सारे लोगों को मालूम भी है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं भी है कि इंश्योरेंस ना भी है तो रेलवे में अगर हादसा हो जाता है और किसी की मृत्यु हो जाती है तो 4 लाख रुपया तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहता है और 4 लाख रुपया उसे मिलता ही मिलता है। इसके अलावा जब आप टिकट लेते हैं, ऑनलाइन टिकट लेते हैं या फिर काउंटर से टिकट लेते हैं और वहाँ पे कुछ शुल्क अदा करके नाम मात्र का 1 रुपया से लेकर 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया का नाम मात्र शुल्क लगता है, जितनी दूरी का ट्रेन रहता है उसी हिसाब से नाम मात्र का शुल्क लगता है और इंश्योरेंस सभी का हो जाता है। लेकिन इंश्योरेंस रहने के बाद भी आपको मुआवजा नहीं मिलेगा, किस कंडीशन में नहीं मिलेगा, ये बातें आप जान लीजिए। जानना ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप जानते होंगे तो किसी को बता सकते हैं, अपने रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई जानने वाला हो, गांव हो, समाज हो, किसी को ये चीज़ बता सकते हैं ताकि कोई ऐसी गलती ना करे कि कभी कुछ हो जाए तो मुआवजा ना मिले, उन्हें हर्जाना ना मिले। आते हैं सीधा टॉपिक पर। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, मन में कोई सवाल प्रश्न रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं आपको बता दूं कि रेलवे की यात्रा के दौरान जब आप ट्रेन में बैठते हैं तो आपको बहुत सारी सावधानी बरतनी चाहिए। क्या बरतनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो ट्रेन के पायदान पर अगर बैठ के यात्रा कोई बंदा कर रहा है, ट्रेन के पायदान पर आप समझते होंगे बहुत सारे लोग गेट पे पायदान के पास बैठ जाते हैं, यात्रा करते रहते हैं, उस पीरियड में अगर वो बंदा गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर उसका हाथ कट जाता है, पाँव कट जाता है या फिर किसी प्रकार से कुछ भी उसके साथ हादसा हो जाता है, रेलवे उसकी किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती, किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं देती है। चाहे उसका टिकट बना हुआ हो, कन्फर्म हो, सीट हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का उसको सीट मिला हुआ हो, किसी भी बोगी का उसने टिकट लिया हो, उसे किसी प्रकार का 1 रुपया भी मुआवजा सरकार नहीं देगी। दूसरा है, ट्रेन के छत पर अगर चढ़ के कोई यात्रा कर रहा है, गिर के मर जाता है, करंट लग के मर जाता है या फिर किसी प्रकार से बंदा की मृत्यु हो जाती है, किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलता है। हालांकि आजकल ट्रेन के छत पर लोग यात्रा न के बराबर करते हैं। लेकिन तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि ट्रेन चल पड़ी, मतलब ट्रेन चलने लगी और दौड़ के कोई व्यक्ति ट्रेन पकड़ रहा है या फिर चलती ट्रेन से उतर रहा है व्यक्ति, इस दोनों कंडीशन में उसके साथ हादसा हो जाता है। मतलब आप समझ लीजिए, ट्रेन चलते हुए आप पकड़ रहे हैं दौड़ के या फिर ट्रेन से चलते हुए उतर रहे हैं, उस स्थिति में आपके पास टिकट भी है, रिजर्वेशन है, कन्फर्म है, फिर भी अगर यात्री के साथ कोई हादसा हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, पाँव कट जाता है, हाथ कट जाता है, किसी प्रकार का रेलवे कोई जिम्मेवारी नहीं लेगी, किसी प्रकार का कोई खर्चा हर्जाना नहीं देगी, क्योंकि सारा टर्म कंडीशन लिखा रहता है और इसको आपको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। इसमें सारी की सारी गलती आपकी होती है। आगे क्या है कि रेलवे क्रॉसिंग जो होता है, रेलवे फाटक आप देखते होंगे, वहाँ अगर रेलवे फाटक से सट के आप खड़े और ट्रेन आती है और उसमें किसी की मृत्यु हो जाती है, कट जाता है बंदा, घायल हो जाता है बुरे तरीके से, रेलवे किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं लेती है, ना वो आपका किसी प्रकार का इलाज का खर्चा उठाएगी, ना ही किसी प्रकार का मुआवजा देगी, यहाँ तक कि जिम्मेवार आप ही को माना जाएगा, आपको किसी प्रकार का कुछ मिलने का नहीं है। आगे क्या है कि फिर रेलवे क्रॉसिंग अगर गिरा हुआ है, रेलवे फाटक गिरा हुआ है और आप निकल रहे हैं ज़बरदस्ती, बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि रेलवे फाटक गिरा रहता है और वहाँ से बाइक लेकर नीचे से निकल जाते हैं, साइकिल लेकर निकल जाते हैं, अगर पैदल पैदल है तो नीचे से घुस के निकल जाते हैं, पार करते रहते हैं कि ट्रेन आने में तो अभी बहुत लेट है, ट्रेन आएगी आएगी तब तक मैं निकल जाऊँगा। और इसी बीच होता क्या है कि कभी जल्दीबाजी में ट्रेन आ जाता है, कभी इस पटरी पर खड़े हैं, इस ट्रैक पर आप खड़े हैं, इसी ट्रैक पे गाड़ी आ जाती है, पता आपको नहीं चलता है, आपको लगता है कि अगले ट्रैक पे गाड़ी आएगी, ऐसा भी होता है। इस कंडीशन में किसी प्रकार का कुछ भी हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है या फिर किसी प्रकार का कोई गंभीर चोट आ जाता है, पैर कट जाता है, हाथ कट जाता है, इंसान जिंदा बच भी जाता है या मर भी जाता है, रेलवे किसी प्रकार का 1 रुपया देने नहीं जा रही है। इसके अलावा बता दूं कि रेलवे से यात्रा कर रहा है कोई बंदा, कोई व्यक्ति रेलवे से यात्रा कर रहा है, अगर खिड़की से हाथ निकालता है और उसकी हाथ कट जाती है, टूट जाती है, इसका भी जिम्मेवारी रेलवे का नहीं है। इसके अलावा आप देखते होंगे कि इमरजेंसी खिड़की हर बोगी में रहता है, हर बोगी में इमरजेंसी खिड़की रहता है एक, जो पूरा का पूरा खुलता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरा मुंह निकाल के झांकते रहते हैं, देखते रहते हैं। इस कंडीशन में भी अगर
कुछ हो जाता है, खंबे से सर टकरा जाता है, अगर मृत्यु हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, रेलवे इसका भी कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है। इसमें क्या होता है, कोई भी हादसा होता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है या फिर हादसा होता है किसी यात्री के साथ, रेलवे इस पर जांच कमेटी पहले बैठाती है। भले ही वो घोषणा कर देगी, मुआवजा की घोषणा भी कर सकती है, आपके इलाज का घोषणा भी कर सकती है, आपके परिवार को मुआवजा देने की घोषणा कर सकती है, लेकिन पहले इंक्वायरी कमेटी बैठाती है। घोषणा करने के बाद फिर इंक्वायरी कमेटी बैठाएगी और इंक्वायरी होगा, अगर उसमें पाया गया कि इन सभी चीज़ों में एक भी गलती आपसे हुई है, फिर आपको किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, चाहे टिकट पर आपने इंश्योरेंस करा रखा है या फिर इंश्योरेंस नहीं करा रखा है। लेकिन आप सावधानी से यात्रा कर रहे, अपने सीट पर बैठ के यात्रा कर रहे, ट्रेन का कोई हादसा हो जाता है और लोग के साथ कुछ अनहोनी हो जाता है, आपने देखा होगा, हो जाता है कभी कभार, साल दो साल में एक ऐसा हो जाता है जो किसी को मालूम नहीं रहता है, रेलवे से कभी गलती नहीं रहती है, लेकिन हो जाता है, कभी कुहासा है, कभी बाढ़ आ गया, कभी मौसम खराब है, तो इस वजह से हो जाता है। तो रेलवे अगर जितने यात्री के साथ हादसा होता है उसके परिवार को 4 लाख रुपया मुआवजा देती है, राज्य सरकार अलग देती है, केंद्र सरकार अलग देती है, इंश्योरेंस रहे ना रहे, लेकिन रेलवे की यह जिम्मेवारी बनता है कि उसका यात्री अगर ट्रेन में यात्रा कर रहा है तो उसे मुआवजा देना है देना है। लेकिन ये सब कंडीशन को फॉलो नहीं करते आप, इन सभी गलतियां करते हैं, इस तरह की गलतियां करते हैं, फिर रेलवे किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं देगी। इस बात को समझना हर यात्री को जरूरी है। इसमें दो तरह का नुकसान है, एक तो रिस्क है, पायदान पर कोई यात्रा कर रहा है या फिर चलती ट्रेन में उतर रहा है या फिर चढ़ रहा है, ये सारे रिस्क का काम है, खिड़की से हाथ निकाल रहा है वो भी रिस्क का काम है, छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है ये भी रिस्क का काम है, रेलवे फाटक पे खड़ा है जबकि फाटक गिरा हुआ है, बहुत लोग अंदर घुस के खड़े रहते हैं कि ट्रेन निकल जाएगी मैं निकल जाऊंगा, उसमें कोई हादसा हो जाता है, ये आपकी गलती है। आगे क्या है, रेलवे क्रॉसिंग गिरा हुआ है, बाइक निकालने की कोशिश करते हैं, खुद पैदल निकलने की कोशिश करते हैं, ये आपकी गलती है। ये सब गलती कभी भी जीवन में ना करें। फिर अगर कुछ हो जाता है तो रेलवे इसकी जिम्मेवार है, रेलवे की जिम्मेवारी बनती है, आप कोर्ट से भी केस करके रेलवे से मुआवजा का मांग कर सकते हैं और मिलता ही मिलता है, चाहे उपभोक्ता फोरम से ही हो चाहे कोर्ट से हो, लोग लेते हैं अगर गलती ना हो तो। लेकिन गलती आपकी साबित हो जाती है, फिर आपका जान भी जाता है, ज़िंदगी भी चली जाती है और किसी प्रकार का परिवार को किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मिलता है। ये जागरूकता के लिए मैंने वीडियो बनाया है, ऐसा नया में अभी हाल ही में रेलवे ने एक लिस्ट जारी किया है इन सभी चीज़ों की, कि ऐसी गलती ना करें अन्यथा रेलवे की जिम्मेवारी नहीं है, तो मैं जागरूक करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग इन चीज़ों को समझें, लोगों में शेयर करें, लोगों को बताएं। दोस्तों आपको मालूम ही है कि समय समय पर मैं रेलवे से संबंधित बहुत सारे वीडियो लाता रहता हूँ, चाहे रेलवे का कोई अपडेट हो, नया कानून आता है, नया नियम आता है, चाहे कुछ बदलाव होता है, ट्रेन रद्द होती है, नया ट्रेन चालू होता है, मैं सारा अपडेट आपको देता रहता हूँ। इसी कड़ी में ये भी एक नया अपडेट था जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, बहुत सारे लोग इन चीज़ों को जानते भी होंगे लेकिन नहीं जो जानते हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। आपको बता दूँ कि आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, जैसे कानून से संबंधित कोई जमीन विवाद हो गया, फैमिली विवाद हो गया, या फिर पोस्ट ऑफिस से संबंधित, रेलवे से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, या फिर सरकारी योजना से संबंधित, इतने चीज़ों से संबंधित कोई भी नॉलेज आपको चाहिए, जानकारी चाहिए, उस पर वीडियो चाहिए, तब कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूँ और उसी टॉपिक पर एक एक करके वीडियो बनाता हूँ, तो आपको वीडियो जरूर उपलब्ध करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के मुद्दे पर होगा, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।